जैसे हम चीजों को देख रहे हैं और एनालिसिस करते हैं, पहले सत्येंद्र जैन का जेल जाना, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, संजय सिंह का जेल जाना, फिर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आतिशी जी जेल जा सकती है, सौरभ भारद्वाज जेल जा सकते हैं, क्योंकि इन सबके जेल जाने के बाद ये दोनों से चेहरे हैं। आपने देखा होगा पार्टी को हैंडल करने की बात हो, मीडिया के सामने आने की बात हो, कोई स्टेटमेंट देने की बात हो, तो ये दोनों चेहरे अब और संदिग्ध हो गए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरा डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट था आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जो बातचीत होती थी के साथ, तो उसके बाद ये चाहिए रहते जिस तरीके से हमारे नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई बहुत आसान टारगेट है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता था इस तरीके से कि ये इनके हाथ की सरकार है, आज कांग्रेस पक्ष में है तो कांग्रेस आरोप लगाती है तो ये सरकार की हाथ की है, तो ये चीजें चलते रहेंगे लगातार। लेकिन अगर कहीं काल काला है तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हैं। जिस दिन आप निर्दोष साबित करोगे, देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको जेलों में